Hi everyone, this is Veronica. आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है थोल लेक पे थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नया रामसर साइट का रामसर वेटलैंड साइट का टैग दिया गया है तो डिटेल में जानेंगे कि कहाँ है ये सेंचुरी इस वेटलैंड के बारे में जानेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे, पे पी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और साथ में यहाँ पे गुजरात एग्जाम्स जो स्टेट एग्जाम्स हैं वहाँ के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और स्टडी आई क्यू पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, हैं अवेलेबल हैं गुजरात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे गुजरात पी एस सी गुजरात एस एस सी गुजरात जी के गुजरात टेट ये जो स्मार्ट कोर्सेज हैं ये ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर नंबर्स दिए होंगे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी आई क्यू की क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब देखिए जो थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अहमदाबाद के पास है तो यानी हम गुजरात की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको गुजरात के एग्जाम्स के बारे में बताया और बाकी एग्जाम्स यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है अभी रिसेंटली चार वेटलैंड्स हैं देश में जिनको राम जो लिस्ट है उसमें राम लिस्ट ऑफ वेटलैंड जो है उसमें इंक्लूड किया गया है यहाँ पे देखिए ये चारों जो साइट्स हैं हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रामसर साइट कन्वेंशन जो ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ये क्या है कहां पे साइन की गई थी तो ये के लिए है। इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे जानते हैं बट आपको याद होना चाहिए कि यहां पे चार वेटलैंड हैं इस टाइम पे देश के जिनको रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में इंक्लूड किया गया है और आप मुझे ये भी बताइए कि टोटल कितने वेट रामसर वेटलैंड्स हो गए इंडिया में जो कि रामसर साइट में और ये क्योंकि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं दैट्स व्हाट मेक इट इम्पोर्टेंट अब ये चार वेटलैंड्स कौन से हैं जिनको ये टैग मिला है एक है आपका भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये दो आपके हरियाणा से है और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये वाधवाना वेटलैंड जो है ये गुजरात से है तो दो आपके गुजरात के हैं दो हरियाणा के हैं याद रखिएगा ये साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इस कन्वेंशन की गुजरात का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको धोल लेक जो है वो नज़र आएगी अहमदाबाद के पास और ये मैप भी वैसे गुजरात का वाइल्ड लाइफ टूर मैप है कि कौन कौन से एरिया में प्रोटेक्शन है मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये आपके नेशनल पार्कस हैं जहाँ पे एनिमल का सिंबल देख रहे हैं ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है रामसर सेक्रेटेरिएट की वो ये दिखाता है कि जो प्रपोजल है इंडियन गवर्नमेंट का कि हमको थोल और वाधवाना को रामसार बनाना है इसको अप्रैल में ही एक्सेप्ट कर लिया गया था लेकिन डिटेल्स जो हैं वो इसी वीक में ये अवेलेबल की गई हैं साइट पे तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में बाकी हम इस वीडियो में कवर करेंगे अब थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको थोल लेक भी कहा जाता है या थोल बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है देखिए आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज थोल बट जो गुजराती स्टूडेंट्स हैं अगर इसका कुछ और क्योंकि जो लोकल प्रोनंसिएशन हैं स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं आप लोग कैसे प्रनाउंस करते हैं आप बता सकते हैं हैं. अब ये लोकेटेड है फोर्टी किलोमीटर वेस्ट ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद से वेस्ट की तरफ चालीस किलोमीटर और इसको उन्नीस सौ बारह में बनाया गया था इरीगेशन परपज के लिए कि खेतों को यहाँ से सिंचाई की जाएगी फिर नाइनटीन एटी एट में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेजिग्नेशन जो है वो दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो बर्ड लाइफ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं बर्ड लाइफ को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें और इसको ओपन वाटर वेटलैंड साइट जो है वो इस तरीके से इसको रखा गया अब तो लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये एक शैलो वाटर रिजर्वायर है बहुत डीप नहीं है शैलो है लश ग्रीन सराउंडिंगस हैं वेट लैंड जब हम बोलते हैं तो आप समझ जाइए वो लैंड जहाँ पे काफ़ी पानी है मार्शी लैंड है पॉन्स हैं लेक्स हैं इस तरह के एरिया को हम वेट लैंड बोलते हैं एकवैटिक हाइड्रोफाइट्स जो हैं वहाँ पे अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो एरिया वेट लैंड है पानी रहता है या तो पूरे साल एनुअली ही रहेगा या सीजनल लैंड में काफ़ी पानी रहता है तो उसको वेट लैंड बोलते हैं दिस प्लेस विच स्प्रेड्स ओवर एन एरिया अबाउट सेवन किलोमीटर्स तो इसमें से सात किलोमीटर का जो ये एरिया है इसको बर्ड सेंचुरी जैसे मैंने आपको बताया फिर से रिपीट कर रहे हैं नाइनटीन एटी एट में डिक्लेयर किया गया सात किलोमीटर का एरिया वाटर रिजर्वायर यहाँ पे जो है उसको थिकली कवर्ड है जो रीड बेड्स हैं और वो इसको आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है बर्ड्स के लिए इंसेक्ट्स के लिए क्योंकि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स वेटलैंड्स को प्रेफर करते हैं एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड तो ये चीज़ इसको परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है और जो लेक है आप देख सकते हैं इसके आगे पीछे एग्रीकल्चरल लैंड सर्व्स हैं जो कि बर्ड्स के लिए फूड का, का काम करते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड है बर्ड्स को वहाँ से खाना मिलता है इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने थोल लेक के बारे में सेंचुरी के बारे में ये मैं आपको बता चुकी हूँ 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया 1980 ये दो डेट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है इसको एज अ टैंक यूज किया जाता था जब गायक्वाड रिजाइम था यहाँ पे uh, उसके बाद लॉन्च इट वॉज लॉन्च विद पर्पज़ टू प्रोवाइड इरीगेशन ये मैंने आपको बताया हिस्ट्री इसकी ये है कि इसको इनिशियली तो इरीगेशन के तौर पर इसको डेवलप किया गया था आपकी लोगों को यहाँ से लॉन्च किया गया था इसलिए और यहाँ पर बहुत सारी कैपेसिटी है इस लेक की कि ये पानी स्टोर कर सकती है कितना एटी फोर मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर तो यहाँ पर कितना पानी स्टोर हो सकता है और करेंटली अगर आप देखेंगे इस पर अथॉरिटी किसकी है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई फॉरेस्ट एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात तो गवर्मेंट ऑफ गुजरात का जो फॉरेस्ट एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट है उसका अथॉरिटी इस पर है जिसलिए कि स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन हैक्टर्स ऑफ लैंड तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन हैक्टर्स ऑफ लैंड है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडावर्सिटी है फ्लोरा एनफाउना बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट सब पाए जाते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन से होते हैं ऑर्निथोलॉजी इज सब्जेक्ट जहाँ पे हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऑर्निथोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है इको सिस्टम में एक वीडियो मैंने बनाया था ब्लैक ब्लाबर पे कि हम लोगों ने सोचा था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है बट रिसेंटली बर्ड वॉचर्स कई लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बर्ड्स को ऑब्जर्व करने का ऑर्नेथोलॉजिस्ट तो करते हैं उनका काम है बट कई लोगों की एज अ हॉबी भी होता है तो इस तरह से दो तो बर्ड वॉचर्स उन्होंने देखा ये तो एक नया बर्ड हमको यहाँ दिख रहा है ब्लैक ब्लाबर करके स्टडी आई क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आप उसके बारे में जान सकते हैं तो नया बर्ड मिला तो इसी तरह से जो लेक बर्ड सेंचुरी है ये बर्ड वॉचर्स के लिए ऑर्नेथोलॉजिस्ट के लिए एक पैराडाइज है क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह के बर्ड्स उनको यहाँ पे मिलते हैं मोर देन अंड्रेड एक्जोटिक वेराइटीज़ जो हैं सौ से ऊपर बर्ड्स की क्रेन्स गीज डक्स, फ्लमेंगोज पेलिकन्स, विस्लिंग टील्स ये सब यहाँ पाए जाते हैं इन नमरेबल जो रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आते हैं थोल लेक बर्ड सेंचुरी में और ये एग्जॉटिक लेक है इज आइडियल फॉर फॉरगेटिंग गेटिंग अवे द स्टार्क क्लाइमेट ऑफ देर औरजिनल होम तो माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रीडिंग के लिए फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह सीजनली माइग्रेट करते हैं तो यूजली जब क्लाइमेट क्लाइमेट एक बड़ा रीजन है ये बर्ड्स अपने एरिया के हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए इस एरिया में आते हैं वेल नोन इंडियन सोरेस क्रेन जो है जिसका काफी स्लेंडर पतला सा नेक रहता है उसके फुट स्ट्रट्स जो हैं, वो बहुत ही एलिगेंट हैं। अराउंड द लेक लाइन अ मॉडल इन रैम्फ वाइल सर्चिंग फॉर इंसेक्ट्स तो इस लेक के अराउंड जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मॉडल की तरह घूमता है बिकॉज बहुत ही खूबसूरत बर्ड है अपने फूड की सर्च में इंसेक्ट्स की सर्च में तो फ्लोरा ये सब बताने का आपको मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं कितना फ्लोरा एंड फाउना है कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं अब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो सेकेंड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी को ऑब्जर्व किया जाता है और ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए है अब रामसर साइट के बारे में मैं आपको बता दूं जो वेटलैंड्स का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है उनको इस साइट में Uh, इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस है इस ट्रीटी का कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का और रामसार आप चलिए ये सवाल आपके लिए है कि रामसार का नाम रामसार क्यों रखा गया एक सिटी के नाम पे है वो सिटी कहाँ पे है और कौन से ईयर में ये कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था तो हम नेक्स्ट क्योंकि मैंने आपको कहा इस पर मैं फोर वीडियोज़ बनाऊँगी तो किसी ना किसी वीडियो में हम कवर करेंगे तो आप ज़रूर सारी वीडियोज़ देखिए वेटलैंड्स के इको में भी बेनिफिट्स बहुत हैं एक तो स्पेस देता है प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जो वेट लैंड के एरिया आगे पीछे आपका रियल एस्टेट रहता है जो फ्लड्स को ये प्रिवेंट करता है हेल्प स्लो वाटर फ्लो अगर वाटर फ्लो है उसको कम करेगा फ्लड्स को प्रिवेंट करेगा वाइल्ड लाइफ क्योंकि आपको थोल का ही दिखा दिया कितना वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे बर्ड्स इंसेक्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स तो बहुत बायोडावर्सिटी को सपोर्ट करता है सेडिमेंट्स पॉल्यूटेड न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करता है स्पॉन्च लाइक क्वालिटी है इसकी तो पानी ग्राउंड में रहता है सो तो आपको ड्राई फरियड्स में भी ग्राउंड टेबल पे वाटर जो है वो मिलेगा वेटलैंड बायोडावर्सिटी मैटर करती है क्लाइमेट के लिए क्लीन वाटर के लिए जॉब्स लोगों का रोज़गार है यहाँ पे और इकोनमीज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है अगर वेटलैंड्स का नुकसान होगा तो आपकी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा ऑल दो वेटलैंड का नुकसान हो रहा है पोल्यूशन ड्रेनेज लैंड कन्वर्जन की वजह से लोग सेव नहीं कर रहे अभी इसीलिए ये वाली साइट्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है तो एंड बायो अगर हम बायोडावर्सिटी लॉस रोकना चाहते हैं तो हमको वेटलैंड्स को रिस्टोर करना होगा बाकी ये गुजरात के कुछ साइट्स हैं जहाँ पे जितने जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए जितनी मर्जी बर्ड्स वो चाहें वो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कच्छ बस्टेड सेंचुरी है यहाँ पे कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं अब ये यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होगा बट यूपीएससी के लिए ये अभी रिसेंटली रामसर साइट इंक्लूड हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है लेकिन गुजरात का जो एग्जाम है उसके लिए ये स्लाइड आपके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क पे कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं हर जगह पे कौन से बर्ड्स हैं सब आपको इस स्लाइड में मिलेगा अब आपके लिए सवाल है वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सेम कॉन्टेक्स तो बताइए ओनली द कंट्रीज विच आर सिग्नेटर टू रामसर सर कन्वेंशन आर पार्टी टू इट टल ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एटल टू यूज प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर फ्रेमिंग बेटर पॉलिसी बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा देखिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल इज अंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ये रामसर साइट पे इससे पहले भी मैंने वीडियोज बनाई हैं अगर आप सा, रामसर साइट स्टडी आई लिखेंगे तो आपको मिलेगा या कौन कौन सी साइट्स जब भी रामसार में इंक्लूड होती है हम उस पर वीडियो बनाते हैं तो बहुत बार डिटेल में इसके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कशन कर चुके हैं बट ऑल दो तो नेक्स्ट थ्री वीडियोज़ में भी मैं करूँगी तो ये थोल इज़ इस इम्पॉटेंट इसको अच्छे से पढ़िएगा और कॉमेंट इस क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे क्विज़ चलता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आंसर्स वहीं मिलेंगे आपको बाकी जो हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज़ हैं आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जा सकते हैं एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं ई एम आई पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वेबसाइट पे जाइए कॉल कीजिए जानकारी लीजिए थैंक यू सो मच